झारखंड से जो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। चुनाव के दौरान ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। रांची में मंत्री के पीएस के नौकर के घर पर रेड पड़ी और इस छापेमारी में 30 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। 30 करोड़ ईडी ने नोट गिनने के लिए मशीन मंगवाई। ट्रांसफर पोस्टिंग के पेपर्स भी ईडी को मिले हैं। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस हैं संजीव लाल, जिनके घरेलू सहायक के घर से ये नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कल थर्ड फेज की वोटिंग है और उससे पहले नोटों का इतना बड़ा जखीरा देखिए एक मंत्री के पीएस के नौकर के घर से बरामद होता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं 500 के नोटों की गड्डियां आपको इस तस्वीर में नजर आएंगी। ईडी की टीम जब सुबह सवेरे यहां पर पहुंची छापेमारी करने के लिए तो नोटों के बंडल मिले और इतनी ज्यादा इनकी संख्या थी कि वहां पर मशीन मंगानी पड़ी नोट गिनने की। अब आइए इन नोटों के साथ साथ 3 लेटर्स भी ईडी को बरामद हुए हैं जिसकी तस्वीर आप ये बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला लेटर, दूसरा लेटर और तीसरा लेटर, जिसमें क्या क्या है देखिए, इसमें नाम है, किसकी कहां पर फिलहाल पोस्टिंग है और कहां पर जाना है, ये मिला है सब कुछ। पहले लेटर में कुमार एल अभिनव, जो फिलहाल जो बीडीओ है वो घाटशिला के हैं और कहां पर उनका ट्रांसफर कराना है, बीडीओ नीमडीह। अगले देखिए सीमा कुमारी, अब सीमा कुमारी कहां है, मुसाबनी की बीडीओ है और चांडील सरायकेला में इनका ट्रांसफर कराना है। स्मिता नाडोसिया जो कि बीडीओ है गुड़ाबांदा की और इनका कहां पर ट्रांसफर कराना है, कर्रा खूंटी में। तो आप ये देख रहे हैं तस्वीर, ये पहला लेटर है जो कि पीएस के नौकर के घर मिला है जो ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है। वीरेंद्र किंडो जो कि बीडीओ है मनिका के और इनका कहां पर ट्रांसफर कराना है, कैलीबिरा सिमडेगा में। आइए अगले लेटर में आपको बताते हैं देखिए क्या कुछ है। श्री महेश्वरी प्रसाद यादव जिनकी फिलहाल पोस्टिंग जहां पर है उनको वहीं पर यथावत रखना है, इनकी पोस्टिंग नहीं करनी है, ये देखिए इसमें मेंशन किया गया है। अगला देखिए मोहम्मद एजाज आलम जिनकी पोस्टिंग फिलहाल कहां पर है और वहां से उनकी पोस्टिंग करनी है जिला दुमड़ा के पद पर, ये देखिए ये यहां पर लिखा हुआ है कि फिलहाल यहां पर पोस्टेड है और ट्रांसफर इनका यहां पर कराया जाना है। आगे देखिए श्री फुलेश्वर मुर्मू और जो कि सेकंड बैच की हैं और फिलहाल इनकी पोस्टिंग कहां पर है, कहां पर कराया जाना है, ये सब कुछ इस सेकंड लेटर में लिखा हुआ है। आगे थर्ड लेटर आप देखिए, यहां पर देखिए ये मेंशन किया गया है शालिनी खरखो, इन्हें यहां से हटाकर अन्य किसी जगह पर इनकी पोस्टिंग की जानी है और इन्हें हटाना जरूरी है, ये देखिए ये भी मेंशन किया गया कि यहां से इन्हें हटाना जरूरी है और यहां पर नाम दिया गया है श्री राजेश ठाकुर पीसीसी। अब क्या कनेक्शन है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं श्री राजेश ठाकुर, उनका नाम इस पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले आपको वरुण जैन के पास हम लेकर चलते हैं, वरुण जैन आपको बताएंगे। वरुण, जिस तरीके से नोट बरामद होते हैं पीएस के घरेलू सहायक के घर से और 3-3 लेटर्स ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए, ये कार्रवाई कहां तक आगे पहुंची है और कहां कहां तक इसका कनेक्शन हो सकता है? देखिए बिल्कुल, जैसे जैसे जांच बढ़ रही है सिर्फ टेंडर कमीशन तक अब ये पूरी की पूरी पड़ताल नहीं रह गई है। आज जिस तरीके से कई एक इस तरह के कागजात मिले जिसमें ये बात नज़र आ रही है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो भी कराई जा रही थी, कई अधिकारियों के नाम है उसके अंदर, ये भी मेंशन है कि किस अधिकारी का कहाँ पर ट्रांसफ़र होना है, तो कहीं ना कहीं अब ईडी को ये बात भी लग रही है कि सिर्फ टेंडर कमीशन का घोटाला ये नहीं है, जो अधिकारी है उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर भी भारी मात्रा में जो पैसा है वो लिया जाता था और उसको ठिकाने लगाया गया। यही वजह है कि अभी जो पूछताछ का दौर है वो आगे चलेगा, जो निजी सचिव है मंत्री के उनसे भी पूछताछ की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो आगे मंत्री से भी पूछताछ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा सिंडिकेट जो है वो ईडी को नजर आ रहा है, क्योंकि जो चीफ इंजीनियर है वीरेंद्र राम, जब उनसे पूछताछ हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इस तरीके से जो टेंडर अलॉट होते हैं उसमें 0.3% से 1% तक का कमीशन है वो लिया जाता है और ये कमीशन शुरू हुई और ईडी की जांच इस तरीके से अब लगातार आगे बढ़ रही है। वरुण, मैं आपके पास लौटूंगी, अंकित आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले 6 तस्वीरों के जरिए दर्शकों को रांची में ईडी का पूरा एक्शन हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए झारखंड में ईडी ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से करोड़ों रुपया मिला, इतना कैश
कैश था कि कमरे में नोटों का पहाड़ बन गया। बैग से ईडी ने कैश की गड्डियां निकाली और इसी के साथ छापेमारी में गहने तक बरामद हुए। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना कैश आया तो आया कहां से? बड़ी खबर इसी से जुड़ी। पैसों को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने अपना पल्ला झाड़ दिया। संजीव मुझसे पहले दो मंत्रियों का पीएस रह चुका है। आलमगीर आलम ने कहा, टीवी के जरिए मुझे तो खबर मिली है, ईडी की जांच के बाद ही इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। उन्होंने कहा कि अभी ईडी की जांच चल रही है और उसके बाद इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन वो पहले दो मंत्रियों का और पीएस रह चुका है। सुनिए आप। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस हुए सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है, अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो जो दो दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। आइए दर्शकों को सीधा लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, मंत्री जी तो साफ पल्ला झाड़ रहे हैं कि मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, दो मंत्रियों के और पीएसओ पहले रह चुका है। क्या इस पूरी जांच की कार्रवाई में अभी तक कोई सीधा कनेक्शन आलमगीर आलम के साथ नजर आया है इस पूरे कैश कांड का? देखिए अभी सीधा सीधा कनेक्शन तो नहीं निकल के आया है, लेकिन जिस तरीके से जो है उनके पीएस के नौकर के पास में उनके जो काम करता था पीएस का जो एक सर्वेंट था उसके घर से ये जो करोड़ों रुपए मिला है, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक बयानबाजी तो होगी ही। और इसी वजह से मंत्री आलमगीर सामने आते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए मेरा सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये चुनावी मौसम है और ऐसे में चुनावी बयानबाजी भी जो है सामने आने लगी है। प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक और तमाम जो बीजेपी के नेताओं ने हमला बोल दिया है। और हमको भूलना नहीं चाहिए, इससे पहले अब से करीबन 6 महीने पहले धीरज साहू जो कि कांग्रेस के एक और नेता थे उनके घर से करीबन 300 करोड़ रुपए मिला था, तो बीजेपी ने यही कहा था, बीजेपी के तमाम नेताओं ने यही कहा था कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है। और जब वो कार्रवाई होती है तो विपक्ष के तमाम नेता तिलमिला जाते हैं। और आज सुबह से भी बात की जाए तो एक तरफ रेड चल रही थी तो दूसरी तरफ जो तमाम राजनीतिक बयान सामने आ रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर हमला करने की बात कही है। जिस तरीके से आप धीरज साहू का नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं कि पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, इसी के बारे में डिटेल जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ रहिए। देखिए जो झारखंड और घोटाले का कनेक्शन है ये कोई पहला नहीं है, बहुत पुराना है। टैक्स चोरी का मामला, धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी का छापा जहां पर 350 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। आगे देखिए चारा घोटाला जिसमें लालू यादव समेत 170 आरोपी बने थे और इसमें 950 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। अब देखिए शेल कंपनियों का घोटाला जो कि मधु कोड़ा के सीएम रहते हुए हुआ, 4000 करोड़ रुपए का घोटाला यह सामने आया था। उसके अलावा देखिए अलकतरा घोटाला, पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन दोषी इसमें पाए गए जिसमें 1,57,00,000 रुपए का यह जो घोटाला है यह सामने आया था। तो यह कोई पहला मामला नहीं है, यह जो कनेक्शंस हैं यह काफी बार पहले भी सामने आते रहे हैं। दवा घोटाला, 34वां राष्ट्रीय खेल घोटाला, मनरेगा में घोटाला, मधु कोड़ा के सीएम रहते हुए दवा घोटाला हुआ जिसमें जो कि 130 करोड़ रुपए का घोटाला था। पूर्व खेल मंत्री के रहते हुए 34वां राष्ट्रीय खेल घोटाला हुआ जो कि 28 करोड़ से ज्यादा का घोटाला था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।